दोस्तों आप में से कितने लोगों को यूटोरेंट याद है और आपने इसे आखिरी बार कब यूज किया था? पायरेटेड मूवीज हो, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स हो, गेम्स हो या म्यूजिक, किसी भी चीज को फ्री में डाउनलोड करने के लिए यूटोरेंट हम लोगों का फेवरेट प्लेस हुआ करता था। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आज से सिर्फ 3 साल पहले यूटोरेंट मार्केट का ऑलमोस्ट 70% शेयर होल्ड करता था। और मजे की बात तो ये है कि जिस बिटटॉरेंट ने पूरे टॉरेंट सिस्टम को बनाया था उसके पास मार्केट का सिर्फ 6.6% शेयर था। सही मायनों में देखें तो बिटटॉरेंट कभी भी यूटोरेंट का मुकाबला कर ही नहीं पाया। अपने पीक टाइम पर यूटोरेंट के 150 मिलियन यूजर्स हुआ करते थे और उसका मार्केट में कोई भी कंपटीशन था ही नहीं, पर आज कोई भी इसकी बात तक नहीं करता है। अगर आप गूगल ट्रेंड्स का डेटा भी देखें तो पिछले 7 सालों में इससे लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम हो गया है और अपने पीक के कंपैरिजन में इस समय इसका सर्च इंटरेस्ट सिर्फ 3% रह गया है। हालांकि यूटोरेंट इस डाउन ट्रेंड से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा है, जहां कुछ साल पहले इसने अपना वेब वर्जन भी लॉन्च किया था जिसकी बदौलत ये 1 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स को हिट करने में कामयाब रहा था। लेकिन ये नंबर इसके पीक के सामने कुछ भी नहीं थी और ये ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाई। आज इसकी UI पूरी तरह एड से भर चुकी है और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये अपना पेड वर्जन भी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से निकलना जैसे यूटोरेंट के लिए इम्पॉसिबल बन गया है। यही वजह है कि इस साल की शुरुआत में जब यूटोरेंट कुछ दिनों के लिए टेम्परेरली डाउन हो गया था तो लोगों को लगा कि इसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। हालांकि लोगों का ऐसा सोचना गलत था, लेकिन इस समय यूटोरेंट की जो हालत है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि लोगों का ये अनुमान किसी भी दिन सच हो सकता है। पर सवाल ये उठता है कि यूटोरेंट को आखिर हुआ क्या है? कुछ साल पहले तक जिस टोरेंट क्लाइंट पर करोड़ों डेली एक्टिव यूजर्स हुआ करते थे, लोग उसे एकदम से भूल कैसे गए? और क्या है टोरेंट की दुनिया के किंग के राइज एंड फॉल की कहानी? आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यूटोरेंट की ये कहानी अर्ली 2000s के दौरान स्वेडिश प्रोग्रामर लुडविक स्टीजेस के मन में एक छोटा सा आइडिया आने से स्टार्ट होता है। लुडविक मार्क जकरबर्ग या जैक डॉर्से की तरह कोई जीनियस प्रोग्रामर नहीं थे और ना ही उन्हें खुद से ऐसी कोई उम्मीद थी कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो बस एक नॉर्मल से प्रोग्रामर थे जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता था और यूटोरेंट को क्रिएट करना उनके इसी डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग रूटीन का हिस्सा था। असल में लुडविक को शुरुआत से ही टोरेंट में काफी इंटरेस्ट था और वो पर्सनली इसको काफी यूज करते थे, लेकिन एक चीज उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी, वो ये कि उस समय ज्यादातर टोरेंट क्लाइंट्स अपने साथ ढेर सारे ब्लॉटवेयर लेकर आते थे और क्योंकि उस समय कंप्यूटर्स में स्पेस काफी लिमिटेड होता था तो ऐसे में ब्लॉटवेयर उस कंप्यूटर को स्लो कर देते थे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लुडविक ने अपने फ्री टाइम में एक ऐसे टोरेंट क्लाइंट को बनाना शुरू किया जो कंप्यूटर का ज्यादा स्पेस ना ले और कम्प्लीटली ब्लॉटवेयर फ्री हो। अब क्योंकि लुडविक के लिए ये उनका साइड प्रोजेक्ट था इसलिए वो इसमें ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, इसी के चलते इसमें उनका इंटरेस्ट कम होने लगा और कुछ ही समय बाद उन्होंने इसे बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। पर तकरीबन 1 साल बाद सितंबर 2005 में इन्हें अपने इस प्रोजेक्ट की याद फिर से आई और इन्होंने इस पर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। इस बार लुडविक काफी जोश में थे जिसके चलते उन्होंने इस प्रोग्राम को सिर्फ 3 दिनों में कंप्लीट करके 18 सितंबर 2005 के दिन लॉन्च कर दिया और इसका नाम रखा यूटोरेंट। हालांकि अगर आप इसे करीब से देखें तो पता चलता है कि इसके नाम में टोरेंट से पहले जो लेटर लिखा है वो एक्चुअल में यू नहीं है, असल में ये एक ग्रीक लेटर है जिसे म्यू पढ़ा जाता है। कंप्यूटर वर्ल्ड में म्यू का मतलब होता है माइक्रो, इसलिए कई देशों में इसे म्यू टोरेंट और माइक्रो टोरेंट भी कहा जाता है। वैसे हमारे देश में तो हमेशा इसे यू टोरेंट ही कहा गया है और इनफैक्ट खुद लुडविक ने भी इसका नाम यू टोरेंट ही रखा था। उन्होंने सिर्फ एक यूनिक स्टाइल के लिए यू की जगह म्यू का यूज किया था, जबकि उन्हें खुद भी ये नहीं पता था कि इस लेटर को म्यू कहा जाता है। खैर यूटोरेंट लॉन्च हुआ और कुछ ही महीनों में इसके यूजर्स के नंबर लाखों को क्रॉस कर गए। लुडविक इसमें नए नए फीचर्स ऐड कर रहे थे और इसके डाउनलोड्स की गिनती बढ़ती ही जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल यूटोरेंट वो पहला टोरेंट क्लाइंट था जिसमें DHT सपोर्ट और बिटटोरेंट इंक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट किया गया था। उस समय के हिसाब से ये फीचर्स कमाल के थे, मगर यूटोरेंट की पॉपुलैरिटी और इसके यूजर्स के बढ़ने की असली वजह इसका लाइट वेट डिजाइन था। जैसा कि हमने बताया कि उस समय ज्यादातर टोरेंट क्लाइंट्स इतने हैवी हुआ करते थे कि उनसे सिस्टम हैंग हो जाता था। ऐसे में यूटोरेंट ने न सिर्फ नॉर्मल यूजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया बल्कि इसने डैनियल एक का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। जी हाँ, वही डैनियल एक जो आगे चलकर स्पॉटिफाई के फाउंडर बने। हालांकि उस समय डैनियल भी लुडविक की तरह एक आम से स्वेडिश प्रोग्रामर थे जिन्हें यूटोरेंट काफी ज्यादा पसंद आया था। एक्चुअली डैनियल एक ऑलरेडी स्पॉटिफाई पर काम शुरू कर चुके थे, पर उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि म्यूजिक स्ट्रीम करने के लिए उनके पास सिर्फ सर्वर क्लाइंट मॉडल का ऑप्शन था,
जिसे वो उस समय अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक्चुअली इस मॉडल में एक बड़े से सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है और जितने ज्यादा यूजर्स बढ़ते जाते हैं सर्वर को उतना ही ज्यादा बड़ा करना पड़ता है, जिससे इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती चली जाती है। ऐसे में जब उनकी नजर यूटोरेंट पर पड़ी तो टोरेंट की तरह स्पॉटिफाई में भी उन्हें पीयर टू पीयर मॉडल लाने का आइडिया आया। मतलब इसमें कोई एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता, बल्कि जितने भी यूजर्स हैं वही सर्वर की तरह काम करेंगे, जिससे इनको एक बड़े से सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और इस काम में भला लुडविक के अलावा और कौन उनकी हेल्प कर सकता था? तो लुडविक से हेल्प लेने के लिए उन्होंने यूटोरेंट को ही खरीद लिया। हालांकि इस अमाउंट को कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया, पर ऐसा बताया जाता है कि ये डील $1 मिलियन के अंदर हुई थी। अब डैनियल को क्योंकि यूटोरेंट में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और स्पॉटिफाई के CTO ने ये बात एडमिट भी की थी कि यूटोरेंट उन्होंने सिर्फ लुडविक को स्पॉटिफाई में लाने के लिए खरीदा था, तो जैसे ही लुडविक स्पॉटिफाई को ज्वाइन करने के लिए राजी हुए, डैनियल ने यूटोरेंट को भेज दिया और इस बार इसका नया खरीदार बना बिटटोरेंट। इस डील के होते ही यूटोरेंट में लुडविक के इन्वॉल्वमेंट का एंड हो गया। वैसे उनके लिए ये डिसीजन उस समय काफी ज्यादा फायदेमंद रहा, क्योंकि जब स्पॉटिफाई अपना IPO लेकर आया तो उससे लुडविक को $100 मिलियन का पेआउट रिसीव हुआ था। यूटोरेंट को संभालने के लिए अब भले ही लुडविक मौजूद नहीं थे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी एक ऐसे बंदे पर आ गई थी जिसे इस फील्ड में लुडविक से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस था, और इस व्यक्ति का नाम था ब्रैम कोहेन। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ब्रैम ही वो इंसान है जिन्होंने पूरे टोरेंट सिस्टम को इन्वेंट किया था। उन्होंने ही अपने इस पहले पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्रोग्राम को बिट टोरेंट का नाम दिया, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम को शॉर्ट में हम लोग टोरेंट कहकर बुलाते हैं। एक टोरेंट क्लाइंट के रूप में बिट टोरेंट लाजवाब तो था, लेकिन यू टोरेंट की बात ही अलग थी। ये दूसरे टोरेंट क्लाइंट से कहीं ज्यादा फास्ट और कहीं ज्यादा एफिशिएंट था। इसकी UI सबसे ज्यादा अच्छी थी, जिसके चलते ये बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहा था। अब मौके का फायदा उठाने के लिए ब्रैम वेंचर कैपिटल फंडिंग की मदद से इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि टोरेंट का नाम शुरुआत से ही पायरेसी के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे में फंडिंग का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हालांकि ब्रैम ने टोरेंट का इन्वेस्टमेंट पायरेसी के लिए नहीं किया था, वो बस एक ऐसा फाइल शेयरिंग या फाइल डाउनलोडिंग सिस्टम बनाना चाहते थे जिसे हर कोई यूज कर सके। अब ब्रैम अगर यूटोरेंट को लीगली एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहते थे तो उनका खुद का पायरेसी के खिलाफ खड़ा होना जरूरी था, और इसी चीज को साबित करने के लिए साल 2005 के अंत में उन्होंने MPAA यानी मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के साथ एक डील साइन कर ली। इस डील के अकॉर्डिंग उन्होंने बिटटोरेंट सर्च इंजन से सारा कॉपीराइटेड मटेरियल को रिमूव कर दिया। उनका ऐसा करना भले ही कंपनी के लिए एक अच्छा मूव था, लेकिन इससे टोरेंटिंग कम्युनिटी काफी ज्यादा नाराज हुई, क्योंकि लोग बिटटोरेंट को मेनली कॉपीराइटेड कंटेंट डाउनलोड करने के लिए ही यूज करते थे। इसके अलावा यूटोरेंट को खरीदने का मूव भी टोरेंटिंग कम्युनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो टोरेंट वर्ल्ड को एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के रूप में देखना चाहते थे, जबकि ब्रैम का यूटोरेंट को खरीदना उन्हें इस इंडस्ट्री में एक ही इंसान की मोनोपोली क्रिएट होने के जैसा लग रहा था। लेकिन ये सभी चीजें सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के बीच तक ही सीमित थी। मेरे और आपके जैसे एक आम यूजर को कुछ पता ही नहीं होता था कि यूटोरेंट को कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, और ना ही हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला था। रही बात कॉपीराइटेड कंटेंट को रिमूव करने की, तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रैम ने सिर्फ ऑफिशियल बिटटोरेंट सर्च इंजन से ही इस कंटेंट को रिमूव किया था। ऐसे में यूजर्स को कंटेंट का एक्सेस दिलाने के लिए कई सारी नई नई वेबसाइट्स जैसे कि पायरेट बे और किकैश टोरेंट वगैरह स्टार्ट हो गई। वो वक्त यूटोरेंट के लिए उसका गोल्डन पीरियड था, जहां साल 2008 तक आते आते इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की गिनती 28 मिलियन यानी कि 2,80,00,000 को क्रॉस कर चुकी थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम था और वो था पैसा। अभी तक यूटोरेंट सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे पर चल रहा था, यानी डेवलपर्स इसे मोनेटाइज करने का कोई तरीका नहीं खोज पाए थे। डेवलपर्स के लिए परेशानी ये नहीं थी कि उन्हें यूटोरेंट को मोनेटाइज करना नहीं आता था, बल्कि दिक्कत ये थी कि अगर यूजर्स को मोनेटाइजेशन अच्छा नहीं लगा तो वो यूटोरेंट को छोड़ देंगे और इसकी जगह मार्केट में दूसरे टोरेंट क्लाइंट्स आ जाएंगे। यही सोचकर कंपनी ने सेफ साइड चलते हुए स्टार्टिंग में मोनेटाइजेशन को बहुत ही लिमिटेड रखा। उन्होंने इंस्टॉलेशन के दौरान यूजर्स को थर्ड पार्टी टूल बार ऐड करने का ऑप्शन दिया, और साथ ही अपने मेन पेज पर गूगल पावर टोरेंट सर्च को इंटीग्रेट किया। इन छोटी छोटी चीजों से यूजर्स का एक्सपीरियंस भी खराब नहीं हुआ और कंपनी के खाते में हर साल 15 से 20 मिलियन डॉलर्स का एक अच्छा खासा रेवेन्यू आना शुरू हो गया। लेकिन फंडिंग के बिना इतने बड़े यूजर बेस को सिर्फ इस रेवेन्यू के दम पर हैंडल करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इन्वेस्टर्स मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस तरह मजबूरी में यूटोरेंट की पेरेंट कंपनी बिटटोरेंट को सर्वाइव करने के लिए अपने लगभग आधे एम्प्लॉइज को निकालना पड़ा, और साथ ही उन्होंने अपने कुछ साइड बिजनेसेस को भी शट डाउन कर दिया।
कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी किसी तरह इसने यूटोरेंट की पॉपुलैरिटी के दम पर इस मुश्किल फेज में सरवाइव कर लिया था। इसके बाद आने वाले कुछ ही सालों में यूटोरेंट के मंथली एक्टिव यूजर्स का काउंट 100 मिलियंस के नंबर को क्रॉस कर गया था। अब इतने बड़े यूजर बेस वाला प्लेटफॉर्म सिर्फ फंडिंग की परेशानी से तो बंद नहीं हो सकता था, तो ऐसे में इसे फिर से इन्वेस्टर्स की हेल्प मिलना स्टार्ट हो गई। लेकिन यूटोरेंट की ये ग्रोथ हमेशा ऐसी नहीं रही। जितना शानदार यूटोरेंट का ग्रोइंग फेज था, उतना ही खराब इसका फॉल भी था। पर सच्चाई ये है कि इसके फॉल के पीछे कंपनी का कोई भी फॉल्ट नहीं था। असल में पिछले एक दशक के अंदर लोगों का इंटरेस्ट टोरेंट से लगातार कम होता गया है, और इसका सबसे बड़ा रीजन इंटरनेट का सस्ता व फास्ट होना और सस्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का लॉन्च होना है। पहले के टाइम में टोरेंट का यूज लोग करते ही इसलिए थे क्योंकि उनके पास कॉपीराइटेड कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कोई सस्ता ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। साथ ही इंटरनेट भी इतना फास्ट नहीं था कि कंटेंट को हाई क्वालिटी में ऑनलाइन एंजॉय किया जा सके, इसलिए लोग कंटेंट को पहले टोरेंट की हेल्प से डाउनलोड करते थे। यहाँ एक फन फैक्ट ये भी है कि स्पॉटिफाई, जो कुछ समय के लिए यूटोरेंट का ऑनर रहा था, आज टोरेंट पर म्यूजिक की पायरेसी खत्म करने में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यानी हम कह सकते हैं कि लुडविक ने स्पॉटिफाई को सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में अपने खुद के ही इन्वेंशन का एंड कर डाला। वैसे स्पॉटिफाई तो बस इस लिस्ट का एक नाम है, जबकि ये सूची काफी लंबी है। फॉर एग्जाम्पल, अब लोगों को टीवी पर एड के साथ कंटेंट देखने के लिए केबल कनेक्शन की जरूरत नहीं है। लोग किसी भी सस्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेकर अपना फेवरेट सोर्स आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि ये ऑप्शन केबल कनेक्शन के प्राइस से काफी सस्ता है, इसलिए लोग टोरेंट पर दिमाग खर्च करने की जगह इन सर्विसेज को लेना ज्यादा बेहतर समझते हैं। सेम चीज गेमिंग इंडस्ट्री के साथ भी हुई है, जहां आज के जमाने के ज्यादातर मोस्ट पॉपुलर गेम्स जैसे पबजी, फोर्टनाइट और क्लैश ऑफ क्लैंस पूरी तरह फ्री हैं, क्योंकि गेम बनाने वाली कंपनीज अब इन ऐप गेम परचेजेस के थ्रू अपने रेवेन्यू को जनरेट करती हैं, जबकि पहले के टाइम में ऑलमोस्ट सभी गेम्स पेड होते थे, जिसके चलते लोग टोरेंट से उनके क्रैक्ड वर्जन को डाउनलोड किया करते थे। इसके अलावा जो गेम्स अभी भी पेड हैं और आप टोरेंट से उनके क्रैक्ड वर्जन को डाउनलोड करते हैं, तो उनमें दिक्कत ये आती है कि वो ऑनलाइन चल ही नहीं पाते, जबकि आज के टाइम में ऑलमोस्ट सभी गेम्स ऑनलाइन हो चुके हैं। ऐसे में टोरेंट पर पायरेटेड गेम्स ढूंढने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता। ठीक इसी तरह सॉफ्टवेयर्स के फील्ड में आज ज्यादातर कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर्स को फ्री कर चुकी हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स को बेचने की जगह उन्होंने इसको मोनेटाइज करने के नए नए तरीकों को खोज लिया है। यानी टोरेंट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना भी आज के जमाने में कोई सेंस नहीं बनाता। यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में कई बड़ी बड़ी और पॉपुलर टोरेंट वेबसाइट्स डाउन हो चुकी हैं, जिसमें मेगा अपलोड और पायरेट बे का नाम शामिल है। हालांकि इन वेबसाइट्स के क्लोन आपको आज भी इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन इनमें अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। लोगों ने अब इंटरनेट पर फ्री और पायरेटेड कंटेंट को खोजना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि जब पूरी पायरेटेड मार्केट ही डाउन जा रही है, तो ऐसे में यूटोरेंट इससे कैसे बच सकता है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए यूटोरेंट ने काफी हाथ पैर मारे। 2012 के दौरान सबसे पहले इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपने यूआई में एड्स डाले, और उसके बाद ये अपना प्रो वर्जन लेकर आते हैं, जिसकी कॉस्ट $20 पर ईयर रखी गई थी। ऐसा करने से यूटोरेंट के फ्री वर्जन की वैल्यू काफी नीचे गिर गई, लेकिन ऐसा करना कंपनी की मजबूरी थी, क्योंकि यूटोरेंट को हमेशा फ्री में नहीं चलाया जा सकता था। इन सब चीजों को तो फिर भी टोरेंट कम्युनिटी और यूजर्स ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन 2015 में यूटोरेंट ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इससे हमेशा के लिए दूरी बना ली। दरअसल हुआ ये कि यूटोरेंट ने बिना यूजर्स को बताए उनके कंप्यूटर में एक क्रिप्टोकरेंसी माइनर को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, ताकि लाइटकॉइन की माइनिंग से वो अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सके। रेवेन्यू जनरेट करने का ये तरीका लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये एक चोरी करने के जैसा था, और यहीं से लोग इससे दूर होना शुरू हो गए। ये यूजर्स धीरे धीरे करके कुछ दूसरे नए टोरेंट क्लाइंट्स जैसे कि क्यूब बिट टोरेंट और डेलूज वगैरह पर शिफ्ट हो गए, और यूटोरेंट इस डाउनफॉल से कभी भी उबर नहीं पाया। यूटोरेंट ने अपने फाइनेंशियल्स को पब्लिक नहीं किया हुआ है, इसलिए कोई नहीं जानता कि अभी ये कितने लॉस या कितने प्रॉफिट में है। हालांकि इसके अभी के एक्टिव यूजर्स को इसके पीक टाइम के यूजर्स से कंपेयर करें, तो यूटोरेंट के लिए अब वापसी करना लगभग नामुमकिन है। रेवेन्यू कम होने के चलते पिछले कई सालों से बिटटोरेंट अपने एक एक सर्विसेज को बंद करता जा रहा है, और अगर ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहा तो वो दिन अब दूर नहीं जब ये कंपनी यूटोरेंट को भी हमेशा के लिए शट डाउन कर देगी। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोग अभी भी यूटोरेंट का यूज करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि टोरेंट के असली फाउंडर ब्रैम कोहेन का क्या हुआ, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।